गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। इस वक्त हम गंग्याल में मौजूद है और आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पावन अवसर जो है वो चल रहा है और उसी के चलते तमाम लोगों ने जो है वो गणपति जी को जो है वो अपने घरों में स्थापित किया है। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो इस समय की आप तस्वीरें देखें, ये गंग्याल की तस्वीरें आपको बता रहे हैं जिसमें तमाम लोग जो है वो गणेश जी की पूजा जो है वो कर रहे हैं, हवन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं पावन अवसर जो है वो चल रहा था, जिस बीच कई सारे लोगों ने जो है वो गणपति बप्पा को अपने घरों में जो है वो स्थापित किया था। और के बाद अगर हम बात करें तो विसर्जन की अगर हम बात करें तो वो लोगों की अपनी श्रद्धा होती है कि वो कितने दिन गणपति बप्पा को अपने घरों में जो है वो रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है वो आज हवन जो है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर भंडारा और जागरण भी जो है वो किया जाएगा, क्योंकि कल जो है वो यहाँ पर गणपति बप्पा जी को जो है वो विसर्जन के लिए लिया जाएगा। और इस समय लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का क्या कुछ कहना है, फिलहाल आप वीडियो के साथ बने रहे। ओम राजे स्वाहा, थोड़ा थोड़ा यहाँ हरोल्लास से मनाया जाता है गणेश पूजा सेवा स्टैंड में। ये गंग्याल इंडस्ट्रीज एरिया है, पूरा देवा स्टैंड के सहयोग से यहाँ हर साल मनाया जाता है। लंगर भी होता है सर, और यहाँ भंडारा भी है, जागरण भी होता है। ये 14 साल होने वाला है इस साल। आप कब से ये यहाँ पे कर रहे हैं पंडाल लगा सर? 14 साल हो गया इस साल। 14 साल हो गया जी। हर साल गणपति बापा हर साल यहाँ विराजमान होते हैं जी। यह वर्षा बनना चाहिए, कोई 13-14 साल तो कर जा रहे हैं, हर साल भंडारा हर साल जगराता चलता है। तो वही देवा स्टैंड है, गंग्याल इंडस्ट्री एरिया के पास, हर साल की तरह चलता है। यही कोशिश करते हैं कि आगे से हमेशा हमारे साथ जोग मिलता रहे हमें, और हम ये लंगर भंडारा करते रहे, जागरण भी हर साल करते हैं। विसर्जन कल कर रहे हैं, 11 दिन के लिए रखते हैं हम, हर वर्ष 11 दिन के लिए जो पूजा रखते हैं, और 11 दिन विधि अनुसार काम चलता है। जिस तरह से आपने देखा कि तमाम जितने भी गंग्याल के लोग हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। 14 साल से जो है वो यहाँ पर गणेश जी को विसर्जन जो है वो करते हैं और साथ ही साथ स्थापित जो है वो यहाँ पर करते हैं और उसके बाद विसर्जन के लिए ले जाते हैं। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने दिन के लिए गणेश जी को अपने घर पर स्थापित किया था और आप लोगों ने विसर्जन कर ली है कि नहीं की है। फिलहाल अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसे और वीडियोज के लिए बने रहे द न्यूज नाउ के साथ।